के हम यार नहीं, लो तहक प्यार नहीं, फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं, माना के हम रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना, हो साथ में को माना के हम यार। अस्सलामुअलैकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई जारा को घर छोड़ दिया या नहीं? नहीं खाला जान, उससे ही छोड़ने जा रहे थे। ओके, और तुम दोनों के दिलों की वो झूठी सी सख्ती वो खत्म हुई या नहीं? एक सेकंड खाला जान, सुनाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड। भाई हम तो बड़े बेताब हैं, तुम दोनों में से दोस्ती में जो भी पहल करेगा ना हमें जरूर बताना, हम दोनों हाथों से उसकी बलाएं लेंगे। लेकिन असल में हमारा एक सवाल है, हमारा और जारा का। आप काफी समय से हमें और जारा को अच्छे से जानते हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से दोस्ती का पहल कौन सबसे पहला करेगा? दुनिया का सबसे जिद्दी इंसान कबीर अहमद या अच्छाई और सच्चाई की मूरत जारा साहिबा? भाई फिलहाल तो तुम दोनों हमारे लिए एक ही जैसे हो, चाहे दोस्ती में पहल कोई भी करे, बस हम चाहते हैं कि तुम दोनों में दोस्ती हो जाए बस, ताकि हम तुम दोनों को जॉइंट सेशन के लिए बुला सके। खाला जान, हम जॉइंट सेशन के लिए तैयार हैं, आप दिन और डेट बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। फोन दो हमें, फोन वापस, हम बोल रहे। माशाल्लाह, इसका मतलब तुम दोनों में दोस्ती हो गई है? भाई हम बहुत खुश हैं, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वैसे हम तो पहले से जानते थे कि दोस्ती में पहला कदम हमारी जारा ही रखेगी। और कबीर मियां, तुम तो वाकई में बहुत जिद्दी निकले। हाँ ठीक है, हम अपना शेड्यूल देख के तुम दोनों को जॉइंट सेशन के लिए बुलाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और कुछ करना है? नहीं, कुछ बोलना है पहले से? वैसे शुक्रिया, हमें घर तक छोड़ने आने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज प्यारे दोस्त। सुनो, सबसे पहले दोस्त हमने कहा था, कह देंगे सेशन में। यार चीटिंग होती है यार, कि क्या है? हजरा, ऐसा नहीं हो सकता कि जारा ने तुमको कुछ ना बताया हो। सबीना बहन ने उसे लड़के से मिलाने के लिए बुलाया था ना, लड़का कैसा है, क्या है, कौन है, कैसा दिखता है, कुछ तो बताओ ना हमें। हमने पूछने की कोशिश की पर वो कुछ बता ही नहीं रही है। आखिर हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है अम्मा जान, कुछ है। वही तो दिक्कत है कि कुछ हो नहीं रहा है और तुम कुछ होने भी नहीं दोगी। पता नहीं हम तुमसे उम्मीद भी क्यों लगा के बैठे हैं। हमारी प्यारी प्यारी बोली बोली अम्मा कितनी बोली है।
आपको पता है सबीना खाला के सेशंस पे एक चीज बहुत अच्छी हुई है। क्या हुआ? हमें रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया मिला और सबीना खाला की वजह से हमें एक दोस्त भी मिला। दोस्त मिला? समझ गए, कल स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, बाय। किससे बातें चल रही थी? आप बोल सकते हो? हमारा एक दोस्त था, आज ही दोस्ती की है। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना जान। सुनो, दोस्ती एक ऐसी चीज होती है ना कि उसे कभी छुपाया नहीं जाता, बल्कि सबके सामने ऐलान करना चाहिए कि ये हमारा दोस्त। तो जानते हो आज हमारी भी दोस्ती हुई है किसी के साथ? तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ। वो सीक्रेट है, पता नहीं सकते। ये क्या बात हुई? अच्छा अच्छा बोलो। वो एक लड़की है। अच्छा, और? वो मैं बहुत परेशान करती थी, लेकिन आज हमारी दोस्त बन गई। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। तुम जानते हो हमारी दोस्त जो हमने अभी तुम्हें बताया कि हमारा एक दोस्त बना था आज, वो एक लड़की है। हाँ, और इससे पहले वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी हमारे साथ, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि अब जो वो दोस्त बन गई तो शायद झगड़े ना हो। तुम कबीर दोस्त? हम जानते हैं अजीब है पर यह हकीकत है। तुम बताओ ना, हम करते तो और क्या करते अजरा? कबीर से अलग होने के बाद हमारे जहन की उलझनों ने हमें जकड़ रखा था। उसके बाद हम सबीना खाला से मिले, उन्होंने धीरे धीरे हमारे बीते हुए कल की रस्सियों से हमें आजाद करना शुरू किया। हमें सुकून मिलने लग गया और धीरे धीरे सुकून मिलते मिलते हम सबीना खाला पर यकीन करने लग गए। उन्होंने हमसे कहा कि हम दोनों का दोस्त बन जाना हमारी जिंदगी में एक नया रंग भर देगा। सारू, उन्हें ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है? ये तुमने सोचा है कभी? अच्छा, कई बार जिंदगी में इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि उस वक्त हमें किसी ऐसे शख्स का हाथ थाम लेना चाहिए जो हमें इल्म की रोशनी से उन उलझनों से बाहर निकाल सके। और हमारे लिए वो शख्स सबीना खाला है। उन्हें लगता है कि अगर हम दोस्ती कर लेंगे तो हम दोनों के लिए अपने बीते हुए कल की अंधेरी नगरी से बाहर निकलना बहुत आसान होगा। हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हमें लगा था बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन सबीना खाला कहती है कि अगर हम दोनों दोस्ती कर लेंगे तो हमारे लिए अपने पिछले रिश्ते के सदमे से निकलना आसान होगा और हम अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखेंगे। दोस्ती हो गई तो दोस्ती निभाओ, जब वो परेशान हो तो तुम उसके सामने हाजिर होना और जब वो मुसीबत में हो तो तुम उसकी मदद करना। क्या करोगे? अगर उसके पास पेन नहीं होगा लिखने के लिए तो उसको पेन देंगे। अगर उसके पास लंच बॉक्स नहीं होगा तो अम्मी का बनाया हुआ आलू पराठा देंगे सारे। हाँ अच्छा, और? और अगर उसको कोई तंग करेगा तो उसकी शिकायत करेंगे। अच्छा, शिकायत करोगे, बहुत खूब। अब बस हमें इतना बता दो कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। नुसु। वो छोटी नुसु? आप तो जानती हो। अच्छा जनाब, दोस्त बन गई है तुम्हारी वो? हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा चाचू, आपके दोस्त का नाम क्या है? भूल गए। आपको पता है? हमें याद नहीं। नहीं आप हमें याद नहीं, हम कहाँ हैं, हम हैं कहाँ, तुम कौन हो? आपको सब पता है, आपको सब पता है। प्लीज चाचू, आपकी दोस्त का नाम बताओ ना।
हमारी दोस्त, हमारी दोस्त का नाम है अबुआ। वैसे बातें क्या हो रही हैं? किस दोस्त का जिक्र हो रहा था? अमान के स्कूल के बारे में। अच्छा, हाँ निकलो जाओ। भाई कभी जी, तुम्हारी अम्मी हमें बता रही थी कि तुम अपना जहनी तनाव दूर करने के लिए सबीना साहिबा के साथ कुछ काउंसलिंग सेशंस करवा रहे हो। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ गई? वो बहुत अच्छी साइकोथेरेपिस्ट है। हाँ, होने तो उन्हें, मगर तुम्हें उनकी क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत? सबीना को काउंसलिंग की इजाजत हमने दी है। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप के सामने सारी बातें नहीं कर पाते, उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें वो अपना दिल का हाल बता सके, और जरूरत पड़ने पर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना कोई गुनाह तो नहीं। ये हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए, हमें तो कबीर को हौसला देना चाहिए। वैसे अगला सेशन कब है कबीर? अभी अभी फोन आया, कल सेशन है। जरूर जाओ। अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए। आमीन। चलो हमारे साथ। वो लड़की तीन तलाक बिल का भरपूर फायदा उठाकर टीवी चैनल्स पे खूब इंटरव्यूज दे रही है, और यहाँ पर हमारे साहबजादे जहनी शिफा खानों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना। तुम दोनों को नई दोस्ती की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, शुक्रिया। अब इसको बरकरार रखने के लिए दोस्ती का रूटीन बनाना होगा। मतलब तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले जारा को कॉल करना है, और जारा तुम्हें सोने से पहले कबीर को कॉल करना है। मतलब ये रोज होना चाहिए, हर रोज हर दिन। तुम दोनों एक दूसरे को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हो। ये तुम दोनों की थेरेपी रहेगी। और हाँ, एक चीज और, अगर किसी दिन तुम दोनों में से एक भी इंसान दूसरे को कॉल करना भूल गया तो समझ लेना कि वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, यानी कि मूव ऑन कर गया है। पर खाला जान, आप जो कह रही हैं वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा मतलब है कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या इससे आपको सच में लगता है कि इससे? एक बार आजमा कर तो देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वन सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। क्या एक हफ्ते में? लेकिन इतनी जल्दी? आप समझ नहीं रहे हैं, मैं ओके, हम कुछ करते हैं। खुदा हाफिज़। क्या हुआ खाला जान, सब खैरियत है ना? अमरीन के ससुराल वालों का कॉल था। अमरीन के मंगेतर वसीम मियाँ को कनाडा का वीज़ा मिल गया है, और अगले ही हफ्ते उनको कनाडा जाना है। वसीम मियाँ निकाह करके कनाडा जाना चाहते हैं। अमरीन की मंगनी हो चुकी है? हाँ,
छह महीने पहले ही हुई है उसकी एंगेजमेंट, लेकिन हमने सोचा था कि एक बार लखनऊ में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर कर देंगे उसकी शादी। जब उस लड़की को कबीर के साथ देखते हैं ना, हमारा दिल चकना चूर हो जाता है। हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या कर रहे हैं। क्या अल्लाह, हमें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? हमें तो लगा था कबीर आमरीन के करीब होकर हमारी यादों से पीछा छुड़ाना चाहता है, पर आमरीन की शादी तो कहीं और हो रही है। इसका मतलब कबीर ने जहनी सुकून हासिल करने के लिए हमारी तरह सबीना खाला से काउंसलिंग कराई है। खाला जान, माफ कीजिएगा, आपने जो अब हमसे कहा है खुशखबरी है। वो तो हम तो अभी तक सेटल भी नहीं हुए अच्छे से, और एक हफ्ते में शादी कैसे होगी? मसला है ना सारा, मतलब आप अकेले हैं और कोई मदद करने वाला भी नहीं। खाला जान, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए और पानी पीजिए। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तैयारियां कैसे होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ ज़ारा ही नहीं, हम दोनों आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे ना हम। बिल्कुल, तुम समझ नहीं रहे हो कबीर, कल ही वो रस्म करना चाहते हैं और अमरीन क्या पहनेगी। खाला जान, अमरीन क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी उसकी फिक्र हम पर छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? क्यों दोस्त, आपका बगीचा देख लिया काजी साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। शुक्रिया। ये लीजिए, ये 50,000 रुपये बयाना रख लीजिए, बस बगीचे के कागजात बना लीजिए, आपको डील के वक्त पूरी पेमेंट मिल जाएगी। जैसे ही कागजात हो जाते हैं हमें खबर कर देना, चलता हूँ। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब खैरियत? जी सब खैरियत, दरअसल हम अपने कुछ कपड़े यहाँ भूल गए थे तो लेने आए। हाँ हाँ, ले लो जाके, जा जा जी। काजी साहब, वो बागीचा आपके खानदान और बुजुर्गों की निशानी है, क्या इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? कोई रास्ता नहीं है बेगम, ले देकर के हमारे पास बस यही एक बागीचा है, और इसके अलावा अगर कुछ है तो वो है हमारा ईमान और हमारी सच्चाई बेगम। ईमान हम अपना बेच नहीं सकते, और जहां तक सच्चाई की बात है आज के जमाने में वो कोई खरीदेगा नहीं। ये 70-80 लाख का कर्जा हम चुकाएंगे कैसे? तड़पो और तड़पो, आप लोगों को तकलीफ में देख के हमें बड़ा मजा आता है। अम्मा, अम्मा। हाँ जारा। अजला, क्यों इतना हल्ला मचा रही हो तुम? अरे हल्ला मचाने वाली बात ही आपको पता है, सबीना खाला की बेटी अमरीन, उसकी शादी तय हो गई है। तो सबीना खाला इतनी फिक्र कर रही थी कि कैसे तैयारियां करेंगी, वक्त कम है, ये वो, हमने कहा उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। इसलिए हम अजरा घूम रहे, अजरा की बच्ची की नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं अजरा को तो हमने भी नहीं देखा, देखो जाके कहाँ है। हम देखते हैं। हाँ। अजरा, ये रख के आते हैं। रुकसार बेटा, शायद तुमने हमारी बात सुन, तो जानते हो हम किस मुसीबत में हैं, पर ज़ारा को नहीं पता चलना चाहिए कि हम ये बागीचा बेचने वाले। हम मुनासिब समय देखकर ज़ारा से बात कर लेंगे, पर तुम कुछ मत बताना। आप हम पर यकीन कीजिए, हम ज़ारा को कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, शुक्रिया, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
मगर हम आप लोगों को इस मुसीबत से निकलने नहीं देंगे।